की वीडियो में मैं आपको तीरंदाजी की जो स्टेट कंपटीशन नहीं हो पाई थी सन 2020 में, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कंपटीशन सन 2021 में कब होने वाली है, कहाँ पर होंगी और किस किस सीरियल में होंगी। तो वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय पर सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो आर्चरी से रिलेटेड जानकारी या उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। आपको बताऊं दोस्तों, जो कंपटीशन स्टेट कंपटीशन सन 2020 में नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से, तो अब वो 21 में होने जा रही हैं। उनका सीक्वेंस रहेगा सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, तीन सीक्वेंस में वो कॉम्पिटिशन होंगी। स्टेट कॉम्पिटिशन उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, और उन तीनों को 20 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। 20 फरवरी से सारी चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास अभी लगभग एक महीना है, लगभग पूरा एक महीना हमारे पास है और अच्छी तरीके से टाइम है। आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो लोगों ने अभी छोड़ रखी थी कि कब कॉम्पिटिशन होगी, अभी कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ चुका है। यह आपको बताऊँ, यह जब पूरी जानकारी मुझे यूपी के आरसी संघ में है योगेंद्र राणा जी, उनकी तरफ से ये जानकारी मुझे मिली है, मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जो सन 2021 की कंपटीशन होने जा रही है वो 20 फरवरी से शुरू हो रही है और अभी उनका कोई डेट और उनकी जगह का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर उनकी डेट और जगह का अनाउंसमेंट हो जाता है तो मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा। और बाकी अगर मैं आपको बताऊँ, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो आर्चरी का वेबसाइट है वहाँ से आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। तो उस फॉर्म में अपनी सारी एंट्री आप फिल कर दीजिएगा, एज सर्टिफिकेट भी लग जाएगा उसमें, वो सारी चीज़ें आप उसमें अटैच कर दीजिएगा, जिससे आपको समय पर, उस समय पर जब आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो उस समय पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी बार क्या होता है, एज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, इसको पहले से ही अपडेट करने का काम किया है। आप उसमें सारी की सारी जानकारी अपनी फिल कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब बहुत जल्द मैं भी अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा यूपी स्टेट चैंपियनशिप में और देखते हैं क्या रहता है। आप सभी भी तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा, जो लोग आर्चरी से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर देखते हैं, और मैं खुद प्रैक्टिस की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई कोच नहीं है, आपके पास भी कोच होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास अभी कोई कोच नहीं है बरेली में। मैं बरेली से हूं तो मेरे पास कोई अभी कोच अवेलेबल नहीं है। मैं सारी की सारी वीडियोस को देखकर ही मैं खुद सीखने की कोशिश करता हूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा इंडियन राउंड से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं स्टेट कॉम्पिटिशन में, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बाकी आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी तीरंदाजी से मिलने वाली है इस चैनल पे मेरे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई आपका क्वेश्चन है तो। अगर आप लोग भी तीरंदाजी की किट आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो फिर कंपाउंड, इंडियन राउंड या फिर रिकर्व का कोई भी आप वो खरीदना चाहते हैं, कोई उसका इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना डीलर का नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डीलर से, वो आपको बहुत अच्छे रेट में पूरा किट अवेलेबल कराने का काम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जब भी आपको कोई किट या कोई एरो या कुछ और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे आपको सारी रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों एक चीज़ और, अभी तक आपने मेरे चैनल को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वहाँ से मुझे फॉलो और लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मैंने अपना चैनल का नाम अकाउंट बना रखा है, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, दूसरी वीडियो में।